वो टेस्टिंग वाले पे रहती है डिपार्टमेंट पे। डेवलपर अपना काम कर लेंगे, यूआई अपना काम कर लेंगे, बट जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहती है वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट के पास रहती है। तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें कुछ करियर बना सकते हैं। इसको धीरे धीरे जब एक्सप्लोर किया तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें ऑटोमेशन टेस्टिंग भी है, एपीआई टेस्टिंग भी मिलेगा, परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी है, बट लर्निंग कैसे करनी। So hi Jay, welcome to the Salesforce testing guy. How are you? I am fine. Hello, Gandhar. Thanks for asking. Okay. So as you already aware, Jay, कि आज का एजेंडा क्या होने वाला है from the perception pressures कि खाली कोर्स को खरीदने से कुछ नहीं होगा जब तक उसका प्रैक्टिकल अपने कंप्यूटर पे नहीं करोगे. It's all about thinking practical from the perception of user. उस चीज का टेक केयर करना अगर हम फ्रेशर लेवल पे ही बता देंगे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इस पॉडकास्ट के थ्रू, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प ऑल दोस फ्रेशर्स यू नो जो अपना करियर टेस्टिंग की फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं. सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट आई जस्ट वॉन्ट यू टू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सो दैट माई ऑडियंस हैव अ बेटर इनसाइट अबाउट यू कि आपने अपना कैसे जर्नी टेस्टिंग में स्टार्ट किया, आप कैसे लिंक्डइन पे इतने अच्छे पोस्ट क्यों डालते हैं, क्या उसके पीछे रीजंस है, कैसे आप अपने फ्रेशर्स के पास जो भी आपके पास क्वेरीज आती हैं किस किस तरीके से आती हैं. सो ओवर टू यू नाउ. ओके, सो एक्चुअली यू ऑलरेडी नो माई नेम जय किशन मोहंती. एक्चुअली आई स्टार्टेड माई करियर इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन 2019. आई हैव 3+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनुअल एज वेल एज इन ऑटोमेशन टेस्टिंग. सो बेसिकली व्हेन आई स्टार्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था उस चीज़ को, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था. मतलब कि ये मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है, ये ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है. और ज़्यादातर मैंने देखा था अपने जितने भी बैचमेट थे वो कोई डेवलपर लाइन में जा रहा है या फिर ना कोई डिज़ाइनिंग लाइन में जा रहा है. मैंने कहा कि ये कोई यूनिक सी लाइन लग रही है, उसके बारे में इतना एक्सप्लोर नहीं किया था उस टाइम पर मैंने. मैंने कहा ठीक है, चलो इस चीज़ को एक बार ट्राई करते हैं. मतलब एक अंदर से लोगों के होनी चाहिए ना कि कुछ भी चीज़ नई मिल जाए तो उसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए, डेफिनेटली. शायद हो सकता है उस चीज़ से आपका मन लग जाए. बट जब मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ, इसमें है ना थोड़ी सी चैलेंजिंग पार्ट आ रहा है, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो रहती है वो टेस्टिंग वाले पे रहती है डिपार्टमेंट पे. डेवलपर अपना काम कर लेंगे, यूआई अपना काम कर लेंगे, बट जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहती है वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट के पास रहती है. तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें कुछ करियर बना सकते हैं. इसको धीरे धीरे जब एक्सप्लोर किया तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें ऑटोमेशन टेस्टिंग भी है, एपीआई टेस्टिंग भी मिलेगा, परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी है, बट लर्निंग कैसे करनी है वो क्लियर नहीं था बात बिल्कुल भी. जैसे आपने अभी बताया कि हमारा जो एजेंडा है कि कोर्स लेने से कुछ नहीं होता, हमें उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. तो मैंने एक्चुअली बहुत सारे कोर्सेज की तरफ देखा. यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल्स हमारे हैं, यूडी में भी हमारे मल्टीपल कोर्सेज हैं, बट कोर्सेज सिर्फ लेने से कुछ नहीं होता, उस चीज़ को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी पड़ती है. डेफिनेटली. तो मेनली क्या होता है कि जब हम फ्रेशर्स होते हैं तो हम मल्टीपल कोर्सेज को बाय परचेज कर लेते हैं, बट सिर्फ कोर्स हम एक ही कर पाते हैं, और वो भी हम प्रैक्टिकल नहीं करते, सिर्फ खाली लिसनिंग लिसनिंग कर लेते हैं उसमें कि हाँ, बस सुन लिया, बस ठीक है, मुझे आ गई मैनुअल टेस्टिंग ऑटोमेशन आ गई, अब मैं इंटरव्यू क्रैक्स कर सकता हूँ. ऐसा एक्चुअली बिल्कुल नहीं होता. जब तक आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं है उस चीज़ में, आप उसमें बेहतर नहीं कर सकते उस चीज़ पर. तो बस मैं ये कहूँगा कि जब भी आप कोई भी कोर्स लो, चाहे एक लो, आधा लो, या फिर यूट्यूब पे देखो, उस चीज को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जरूर करिएगा. चाहे थोड़ा सा ही आप कोड करें, दिन में 1 घंटे भी अगर आप कोड कर रहे हैं तो वो चीज आपके लिए बेनिफिट दे सकती है. ठीक है, अब बात करते हैं लिंक्डइन की. अगर हम बात करें कि लिंक्डइन पे हम कैसे शोकेस कर सकते हैं, एज अ फ्रेशर्स की बात करता हूँ, कि आप क्या करते हैं कि कोई भी जॉब पोस्ट होती है तो उसमें आप इंटरेस्टेड लिखते हैं. इंटरेस्टेड लिखने से कुछ नहीं होता एक्चुअली, वहाँ से बस खाली एज अ व्यू, लाइक, कमेंट, ये सब बढ़ाने के एक तरीके होते हैं बस लिंक्डइन पे. मतलब जो साफ बात है वही चीज है, क्लियर कट. बट अगर आपको कुछ करना है उसमें, अपने एचआर को आकर दिखाने हैं अपने शोकेस स्किल्स, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने कोई बग फाइंड किया है. शायद हो सकता है आपने फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी छोटे मोटे टूल्स पे आपने बग फाइंड करके रिपोर्ट उस पे है ना लिंक्डइन पर पोस्ट किया, चाहे वो वैलिड हो या इनवैलिड हो, बट आपने रिपोर्ट तो किया है समथिंग. या फिर आपने है ना कुछ सर्टिफिकेट्स आपने ले रखे हैं, प्रीमियम सर्टिफिकेट, जैसे यूडीमी से आपने कोर्सेज कर रखे हैं या फिर कोर्सेरा के आपने प्रीमियम कोर्सेज कर रखे हैं, तो जब भी आपके एचआर प्रोफाइल को विजिट करेगी तो वहां पे वो देखेगी कि हाँ, इस बंदे में दम है, ये मतलब हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल सुटेबल बंदा है, तो वो चीज़ पे आपके लिए बेनिफिट देगा. ऐसे ही आपको सिंपली इस चीज़ पे नहीं देगा जैसा आप करते हैं मेनली फ्रेशर्स.
एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन फ्रेशर के मन में हमेशा यही आता है कि मान लीजिए जैसे मैंने अपना जो कॉलेज है वो टायर 3 से किया हुआ है, सो डेवलपमेंट की कंपनीज तो आती ही आती हैं क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट होगा तभी टेस्टिंग है, यू नो, एक वो चीज तो बनी हुई है जो फैक्ट है जिसे हम नकार नहीं सकते और बदल भी नहीं सकते हैं। ऑल दो अजाइल आ गए, सब कुछ आ गया, बट यू नो, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रहना डेवलपर और टेस्टर के बीच में ना बहुत जरूरी है। सो एट एन इनिशियल लेवल आप कैसे फ्रेशर्स को गाइड करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यही होता है कि अगर मान लीजिए ये सिचुएशन है कि मैं डेवलपर हूँ और आप टेस्टर हैं, आप फ्रेशर हैं और मैं थोड़ा एक्सपीरियंस्ड डेवलपर हूँ, तो आपने एक बग फाइंड किया एंड वो बग भी है मुझे पता है, बट यू नो, एज अ डेवलपर एक्सपीरियंस होने के नाते थोड़ा मैं उसको ये कह रहा हूँ कि मैं बाद में फिक्स कर दूंगा, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक बहाना लग रहा है उसी को करने में। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्रेशर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि मैं जस्टिफाई कैसे करूँ उस पर्टिकुलर चीज को। तो कहीं ना कहीं यही कहते हैं कि अगर आपके कोर्डियल रिलेशन होंगे देन ओनली यू नो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे कल्चर में सेटअप हो पाएंगे। तो फ्रेशर के लिए पर्टिकुलर पॉइंट पे किस तरीके से परसेप्शन है जो आपका एक्सपीरियंस कहता है? एक्चुअली ये मोस्टली है ना, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है इस तरह से घुमा के कि अगर आपने कोई भी बग रिपोर्ट किया और डेवलपर कहता है कि ना ये बग नहीं है, तो उसको आप कैसे है ना उसको आप बताएंगे ये चीज़। ये मोस्टली है ना क्वेश्चन में इंटरव्यू में आप फेस करने के लिए मिलेगा, फ्रेशर्स के लिए नहीं मिलेगा, बट अगर आपको एक्सपीरियंस है 1 ईयर या 2 ईयर में, तो मोस्टली ये केसेस आपको मिलेंगे, सिनेरियो बेस्ड केस। तो इसको मेनली हैंडल करना क्या रहता है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं सबका वर्क कल्चर अलग रहेगा। हो सकता है कि आपके किसी के साथ ना बने, हो सकता है किसी के साथ आपकी अच्छी भी बननी हो, बट जो मेनली रहता है डेव एंड टेस्टर साथ में ही मिलके काम करा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने कि हाँ भाई तुम अपना करके दे दो, मैं अपना है ना बग्स निकाल के दे रहा हूँ, चाहे वो वैलिड हो या इनवैलिड हो, मैं तो निकाल के भेज दूंगा। ऐसा नहीं होता है, आपको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है कि हाँ डेव साथ में जो काम कर रहे हैं उसे आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उन्होंने क्या फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करी है, तो वो चीज़ें आपको क्लियर कट होनी चाहिए, तभी आप है ना उस चीज़ को टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, और सेकंड बात करते हैं इस चीज़ में कि मेनली डेवलपर और टेस्टर के बीच में 36 का आंकड़ा तो रहता है, हर कंपनी बताती है कि हाँ भाई दोनों में रहता है इस चीज़ में, बट वो इंटरनली नहीं होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि आप कंपनी में भी लड़ रहे हैं और आउटसाइड भी कंपनी आप ये कह रहे हैं कि नहीं डेवलपर है ये टेस्टर है, नहीं, वो चीज़ें हमें एनवायरनमेंट ऐसा ही बना के चलते हैं और ऐसी ही कंपनी में चलता भी है। तो फ्रेशर्स मैं ये कहूँगा ये मत कहीं सोचिएगा कि डेवलपर है तो वो अलग है, यूआई है तो अलग है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ ही मिलके काम करती है, तभी हमारे एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट निकल के आता है, तो वही चीज़ होती है। एक चीज बहुत ज्यादा जो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग समझता हूँ, दैट टेस्टर इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस इन द सॉफ्टवेयर। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, या आपका आपका क्या परसेप्शन है इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके कि यार अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही पॉडकास्ट कर रहे हैं? अगर आप अपने क्रिएट कर रहे हैं, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन वो पूछ रहा हूँ जो फ्रेशर्स के मन में एट एन एक्सट्रीम लेवल आते हैं, तो इस कोड के थ्रू आप किस तरीके से अपना पॉइंट रखते हैं कि क्या ये मोटिवेट कर भी पा रहा है फ्रेशर को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि ये चीज करने से मुझे बेनिफिट होगा? हाँ एक्चुअली मतलब क्या है कि मैंने आपको शुरुआत में इनिशियल में बताया था कि जो टेस्टर होता है उसके पास सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है। हमारे पास है ना बहुत सारी है ना जिम्मेदारी आ जाती है कि जो भी प्रोडक्ट रिलीज़ होता है वो क्यूए के तरफ से ही जाता है। डेवलपर ऐसा नहीं है कि आपने है ना कुछ टेस्ट मतलब बनाया और डायरेक्ट है ना प्रोडक्ट पर रिलीज़ कर दिया, विदाउट क्यूए आपका नहीं जा सकता। तो क्यूए होने के क्या बेनिफिट्स हैं उसके लिए, तो आपको है ना मतलब यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि ये मिल जाएगा आपको, वो चीज़ मिल जाएगी, बट एज अ एक्सट्रीम मतलब एक हायर लेवल पे पॉइंट पे बात करूँ, आपको सबसे ज़्यादा जो होगी वो प्रोडक्ट की नॉलेज आपको मिलेगी, उससे ज़्यादा ना ही डेवलपर के पास होगी ना ही यूआई के पास होगी, किसी के पास नहीं मिलेगी। आपके टेस्टर के पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, पूरा जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन चलता है कैसे मीटिंग करी जाती है सारी चीज़ें वो सारी टेस्टर को ज़्यादातर पता होती है। ठीक है, तभी आप है ना प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं। एंड थर्ड बात करते हैं कॉन्फिडेंस लेवल की कि जो आप टेस्ट कर रहे हैं अगर आपको अपने ही टेस्टिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो शायद आप है ना प्रोडक्ट ठीक से डिलीवर ना कर पाए, बट अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने जो भी टेस्ट किया वो एकदम बेहतरीन तरीके से किया, उसमें एक बग निकल ही नहीं सकता, तो आपका जो प्रोडक्ट जाएगा उसके बाद है ना वो एकदम धमाल मचा देगा, उसका CVR आपका इंक्रीज़ होगा, रेवेन्यू इंक्रीज़ होगी, तो आपको अप्रिशिएशन मिलेगी वहाँ से, तो उस चीज़ में है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है कि हाँ यार जो मैंने काम किया था 1 महीना लगा के या फिर 15 डेज लगा के वो मेरा सफल रहा, उस चीज़ पे मतलब जब मोटिवेशन मिलता है सामने की तरफ से तो मज़ा ही कुछ और होता है उस चीज़ का। True.
इसी में एक बहुत एक छोटा सा पॉइंट जो मैं जैसे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ लिंक्डइन पे, आपने भी देखा होगा और आप भी बहुत ज्यादा रहते हैं. आप एक चीज होती है कि मैनुअल टेस्टिंग ऑल्दो मैनुअल टेस्टिंग होता है, बट आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि जिनको मैं फॉलो करता हूँ आई बिलीव इन वन थिंग जो वो भी बोलते हैं कि नथिंग कॉल्ड मैनुअल टेस्टिंग, टेस्टिंग इज अ टेस्टिंग, आप टेस्टिंग को टेस्टिंग ही रहने दीजिए, ऑटोमेशन या टेस्ट ऑटोमेशन उसके बाद की चीज है. तो फ्रेशर के मन में कभी कभी, जैसे जितना मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ और उनका यही पूछता हूँ कि टेस्टिंग के बारे में क्या नॉलेज है. तो उनका ना एक बहुत अच्छा रिप्लाई है, या एक सडन रिप्लाई कह सकता हूँ, अच्छा कहना इस पॉइंट पे थोड़ा सा गलत रहेगा, कि भैया ऑटोमेशन में जाना है वहाँ पैसा है. तो मेरे मन में क्वेश्चन यही आता है कि यार तुम 2 महीने में ऑटोमेशन में कैसे जा सकते हो जब तुम्हें नॉर्मल टेस्टिंग नहीं पता होगा. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका क्या, क्योंकि बेबी स्टेप्स इन टेस्टिंग के ऊपर आपका क्या यूनिक पॉइंट है? मतलब कोई भी एक फ्रेशर्स आता है हमारा, तो मतलब कोई भी अगर फ्रेशर्स अगर ये चीज़ सुन रहा है तो मतलब उसे एक स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए. ये नहीं है आपने, हाँ ठीक है आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी है एज अ मैनुअल टेस्टिंग की तरह, बट आप अपने कलीग्स को मत देखिए कि हाँ उसने यार ऑटोमेशन की तरह ज्वाइन करी थी, उसने है ना इतने का पैकेज फोड़ दिया, ये कर दिया. उसने जो तैयारी की थी वो आपसे पहले करी होगी और वो सारे बेसिक्स क्लियर होंगे तभी वो आगे जाके वो चीज़ कर रहा है. आप अपने बेबी स्टेप लेते हुए चलिए कि हाँ जो एक इनिशियल रहता है कि हाँ पहले मैनुअल टेस्टिंग कंप्लीट करनी है. मैनुअल टेस्टिंग के अगर आपको बेसिक से क्लियर नहीं है, ऑटोमेशन पे जाके आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे कि हाँ सैनिटी के आपको बनाने हैं टेस्ट केसेस, स्मोक के बनाने हैं. अगर आपको सैनिटी और स्मोक ही नहीं पता तो आप उसके टेस्ट केसेस कैसे बना पाएंगे वहाँ पे, वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम देगी. रिग्रेशन क्या होता है आपका, बाकी जितने भी टर्मोलॉजी यूज होती है, रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स अगर आपको ऑटोमेशन के लिए बनानी पड़ी तो आप कैसे बना पाएंगे उस चीज़ को. तो मतलब एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप लाइन से चलेंगे तो आई गारंटीड कि आप एक दिन इतना अच्छा सक्सेस पाएंगे कि वो आप सोचे भी नहीं होंगे. मतलब आप एक स्टेप इस तरह से चलिए, जैसे आपने मैनुअल टेस्टिंग कर ली, 0 to 2 years तक आप मैनुअल टेस्टिंग पे ही पूरी कमांड करिए कि टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे बग रिपोर्ट करा जाता है, अजाइल कैसे चलता है, सारी चीज़ें जितने भी टर्मोलॉजीज हैं वो क्लियर करिए. उसके बाद आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ले सकते हैं, पाइथन ले लीजिए, जावा ले लीजिए, मोस्टली जावा डिमांडेड में रहती है, तो जावा के साथ सिलीनियम ले लीजिए. 2 years से 4 years तक आप बहुत अच्छे से ऑटोमेशन सीखिए उस चीज़ पे. ऑटोमेशन लेने के बाद आप एक सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं ताकि अपने लिंक्डइन पर शोकेस कर सकें. फिर उसके बाद देन मूव कर सकते हैं आप एपीआई टेस्टिंग की तरफ भी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग की तरफ भी. ये हमारे एक एज अ सब पार्ट हो जाते हैं, बट 0 to 2 years आपको मैनुअल बहुत क्लियर होना चाहिए एकदम बेसिक से, तभी आप मतलब ग्रो कर पाएंगे. इसमें बहुत बड़ी चीज है. फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मली बात करूं, लाइक हम टायर 3 या टायर 2 कॉलेजेस को जो मेरे टारगेट हमारा रहता है, क्योंकि यू नो कोविड के बाद तो सिचुएशन इतना बदल गया है कि टेस्टिंग के लिए ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है टेस्टिंग को लेके, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना इंटरेक्शन मेरा स्टूडेंट्स के साथ हुआ. दैट इज व्हाई आई एम ऑन अ वेरी सिंपल मिशन कि मैं किस तरीके से अगर एक भी पर्सन की हेल्प कर पा रहा हूँ अपने गेस्ट के साथ मिलकर, तो इट मीन्स अ लॉट उनके लिए भी, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी. आपको क्या लगता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारा सिलेबस है, सिलेबस में जावा होता है, सी सी प्लस प्लस ना, जैसे ही हम एडमिशन लेने जाते हैं ना तो हमारे पास जो कोर्स होता है तो उसमें ये निकल नजर आता है या जावा सी सी प्लस प्लस, यानी कि मैं जावा डेवलपर सी या सी प्लस डेवलपर में ना अपना तो निकाल दूंगा. वो टेस्टिंग देखते हैं तो वो एक तरीके से, जितना मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, देखते हैं तो टेस्टिंग भी है, चलो थ्योरी में नंबर पूरे आ जाएंगे, मतलब परसेंटेज बढ़ जाएगा. तो इस पर्टिकुलर मिथ को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, बिकॉज टेस्टिंग की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इतने टाइप्स होते हैं कि अभी हम शुरू हो जाएंगे तो हमें कम से कम आधा घंटा लगेगा डिस्कस करने में खाली नाम. तो इस पर्टिकुलर आपको क्या परसेप्शन है कि अगर हम टेस्टिंग के उस पर्टिकुलर कोर्स की को किस तरीके से स्ट्रेंथ बना सकते हैं एट एन इनिशियल फ्रेशर लेवल, कि अगर कॉलेज ज्वाइन हुआ तो उनमें क्यूरियोसिटी आए कि अगर मेरा 4th या 5th सेमेस्टर होने वाला है ना तो यह टेस्टिंग पढ़नी है, उसके बाद फिर प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली 5th सेमेस्टर में. अगर कोई पर्सन बीसीए कर रहा है तो उसके लिए, बीटेक कर रहा है तो उसके लिए. हाँ, मैंने बीटेक किया है तो मुझे बीटेक के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो हमारा 7th या 8th सेम में एक सब्जेक्ट होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, जिसे हम एक्चुअली आपने जैसे अभी बताया हम उसे इग्नोर कर देते हैं सिर्फ कि हाँ पासिंग मार्क्स आ गए पर वो चीज़ आ गई. बट वही चीज़ अगर आप जब जॉब लेने के लिए जाते हैं ना तो वही चीज़ आपके लिए बेनिफिट देता है. तो उस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे है ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल पे जाना है तो आप वो जो 7th सेम और 8th सेम के लिए आप पढ़ लें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए, तो आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि वहाँ से आपकी सारी थ्योरेटिकल नॉलेज आपकी कंप्लीट हो जाएगी. अब बात रही हैंड्स ऑन की, वो तो आप है ना जब कंपनी में जाएंगे तो आपको थ्योरेटिकल कंप्लीट है तो हैंड्स ऑन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बहुत जल्दी आप ग्रैप्स कर पाएंगे और उसके बाद आपको प्रमोशन भी बहुत अच्छे से मिल पाएगा. अगर हम बात करते हैं कोर्सेज की,
तो कोर्सेज हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप यूडेमी पे कोई भी सर्च कर लीजिए। तो मेनली मैं रिकमेंड करूंगा कि राहुल शेट्टी का कोर्स जैसे यूडेमी पे रहता है, उन्होंने इनिशियल लेवल से ऑटोमेशन सिखा रखी है। अगर हम बात करें मैनुअल टेस्टिंग की, मैनुअल टेस्टिंग में आपको यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एचटेट पवन के नाम से, तो वहाँ पे आप मैनुअल टेस्टिंग का आप सीख सकते हैं। मतलब अगर आपकी सीखने की इच्छा है ना, तो आप चाहे यूडेमी से सीखिए, चाहे यूट्यूब से सीखिए, चाहे आप बुक से पढ़िए, जहाँ पे आपने सीखने के लिए चाहा वहाँ पे आपको मिल जाएगी वो चीज। बढ़िया, इसमें एक और चीज भी है, लाइक फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे क्या है कि ना कल्चर चेंज हो गया कॉलेजेस का। लाइक फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे बहुत सारे प्लेसमेंट सेल्स बन गए हैं या बहुत सारी चीजें हो गई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूँ कि सिंपल रखते हैं कि मेरे को कोर्स ऐड हो गया, अब कॉर्पोरेट सीआर सेल वाले, कॉर्पोरेट रिलेशन सेल वाले, जो मेरे कॉलेज में टीम बनी हुई है जो टेक केयर करती है प्लेसमेंट सेल का, प्लेसमेंट हैंडल करती है, अब वो क्या करते हैं कि ना जो प्रीवियस कंपनीज आती हैं उनके कुछ क्वेश्चंस जो एलुमनाई ने शेयर किए होते हैं उनके एक्सपीरियंस के थ्रू फ्रेशर्स को ट्रेन करती है। बट ये डेवलपमेंट के परसेप्शन से तो क्वेश्चंस रिपीट होने का चांस होता है, बट टेस्टिंग के परसेप्शन से केस स्टडीज जो आती हैं उसको रेप्लीकेट करना या उसको जस्टिफाई करना फ्रेशर के लिए बहुत टफ हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर चीज क्या मटेरियल डिजाइन करना चाहिए या किस तरीके से हम उसको ईज कर सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग इज नॉट अबाउट कि जस्ट बग फाइंड कर दिया, टेस्टिंग इज अबाउट कि मैं उसमें क्या कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक पे लाइव हैं, एक घंटा कहीं पर घूमने जा रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, कैप्शन डाल रहे हैं, कहीं फट नहीं रही है चीज, तो इट मींस कि जिस पर्सन को टेस्ट किया है उसने उस पर्टिकुलर चीज के वर्स्ट केस सिनेरियो भी कवर किए। तो जितना मैंने आपको एक लाइन में बताया उसमें कितने टॉपिक्स आ गए हमारे, तो हम किस तरीके से मोर प्रैक्टिकल हो सकते हैं टेस्टिंग के परसेप्शन से एट एन फ्रेशर लेवल पे। एक्चुअली अगर हम बात करें कि आप है ना इंटरव्यू के लिए, जैसे आपने शुरुआत में बोला कि हमारे पास है ना डेवलपर के लिए तो हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाते हैं, पर टेस्टिंग के लिए हमारे पास हर दिन हमारा सिनेरियो चेंज होता रहता है कि हाँ कभी इस सिनेरियो से क्वेश्चन पूछ लिया, कभी उस सिनेरियो से क्वेश्चन पूछ लिया। तो उसके लिए क्या रहता है कि जैसे मैं भी अगर शुरुआत में जाऊँगा, फ्रेशर्स रहता हूँ, तो जैसे मैंने टेक महिंद्रा में अप्लाई किया या फिर TCS में अप्लाई किया टेस्टिंग पोजीशन के लिए, तो हम क्या करते हैं यूट्यूब पे सर्च करने बैठ जाते हैं कि TCS में इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से आए थे, टेक महिंद्रा में कौन से आए थे। बट अगर आप उसको इनडायरेक्टली सबको मिला के समअप करेंगे तो इनडायरेक्टली ये सब सारे क्वेश्चंस एक ही है ना जाते हैं कि आपको स्मोक वर्सेस सैनिटी क्या होता है, ठीक है, रिग्रेशंस क्या होता है, एक दो सिनेरियो वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मतलब ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। देखो इंटरव्यू लेने वाला क्या होता है, हम लोग होते हैं, आप लोग होते हैं, हम लोग ही होते हैं मेनली जो इंटरव्यूअर लेते हैं, तो वो भी है ना इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे जो है ना उस टाइम पे हमने फेस किए होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है ना, आपको मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि आप कंपनी वाइज मत जाइए, अपना बेसिक्स आप क्लियर रखिए कि हाँ आपको कोई से भी कंपनी का अगर आपका इंटरव्यू आ जाए तो मुझे सारी चीज़ें क्लियर हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं TCS का अलग से जाके देखूँ, इन्फोसिस का अलग देखूँ, कैपजेमिनी का अलग देखूँ, ज़रूरत ही नहीं है। हाँ एक बेसिक के लिए आप समझ सकते हैं कि हाँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कोडिंग का स्टैंडर्ड रहता है, स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, बट क्वेश्चंस अगर आप वही रट्टा मार के जाएंगे तो इट नॉट पॉसिबल। वो चीज़ के लिए आपको तो मतलब क्लियर करना ही पड़ेगा। इसमें आपने बताया कि इंटरव्यू आप भी लेते हैं मैं भी लेते हैं, ये तो हम भी कहीं ना कहीं फ्रेशर को जब लेते हैं इंटरव्यू तो कहीं ना कहीं हमारी चेकिंग होती है कि अगर इस प्रेशर ने ये वाली चीज को मेरे चेकलिस्ट कर लिया तो मेरी तरफ से तो डन है, सेकंड राउंड के लिए या आगे के लिए भेज देंगे, मेरी तरफ से डन है। आपकी क्या चेकलिस्ट होती है जब आप इंटरव्यू लेते हैं किसी प्रेशर का? एक्चुअली मैं फ्रेशर्स का इंटरव्यू शुरुआत के 2 क्वेश्चंस में ही हमारा डिसाइड हो जाता है कि आपका वो इंट्रोड्यूस कैसा कर रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन छोड़ के कर देता है कि हाँ मेरा नाम ये हो गया, मैंने ग्रेजुएशन यहाँ करी, बस ये चीज़ बता के आपको खत्म कर दिया। अपने बारे में स्किल्स भी तो बताओ कि हाँ भाई आपने प्रोजेक्ट जो किया, आप जो अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए आ रहे हैं तो मैंने सर ये वाला कोर्स किया है, मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट ले रखे हैं, मैंने ये वाला प्रोजेक्ट किया है। मतलब आप जब तक उस चीज़ को थोड़ा सा एलैबोरेट नहीं करेंगे अपने फ्रेशर्स के इंट्रोडक्शन में तो वो शायद आगे के इम्पैक्ट आपके गलत दे सकता है। ये चीज़ हो गई। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया तो आप उसे खुलकर बताइए, चाहे वो किसी का भी कोर्स आपने प्रोजेक्ट कर रखा हो या फिर किसी कोर्स को देख के आपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया हो, वो सारी चीज़ें आप बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चेकलिस्ट की। कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो मेनली हर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए, अगर मैं बात करूं तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो अगर उसने इंटरव्यू में आंसर दे दिए तो इसका मतलब वो तैयारी करके आया है। हो सकता है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ना दे पाए, हो सकता है थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन ना दे पाए, उसे इस चीज़ को वो आगे धीरे धीरे सीख जाएगा। बट अगर उसने बेसिक से क्लियर नहीं करे कि टाइप्स ऑफ टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है,
और बाकी जो डिफरेंसेस हैं लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें, मतलब टेस्टिंग के टाइप्स ही नहीं पता उसको ठीक से, तो शायद वो तैयारी करके नहीं आया इतनी उस चीज़ में, है ना, थोड़ा सा चेकलिस्ट में हो जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा जो एजेंडा होता है कि अगर इंटरव्यू हम ले रहे हैं तो उससे पहले एक एचएस स्क्रीनिंग राउंड भी हुआ होगा, यू नो, तो उसमें वही सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि वहां से स्क्रीनिंग हुआ तभी हमारे पास आया, या हमसे पहले किसी ने लिया, या हमारे बाद हम सबसे एंड में ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बट यही होता है, मेरा जो सबसे बड़ा एक क्वेरी यही रहता है, लाइक व्हेन आई वाज अ फ्रेशर एट दैट मोमेंट इन टाइम, जो मैंने सबसे बड़ा मिस्टेक ये किया था कि मेरे को ये नहीं पता था कि मैं अपनी टेस्टिंग स्किल्स को एज अ फ्रेशर कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जितने मैंने प्रैक्टिकली किए हैं उसमें मैं किस तरीके से दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे टाइम पे जैसे ये था कि मेरे को जो एलुमनाइज ने मतलब गाइड किया था, जो उनके रिज्यूमे लिंक्डइन पे थे, उनको मैंने रेफर करके जैसे मैंने लिख दिया कि मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, जो आज भी चल रहा है, देयर इज नो डाउट वो आज भी चल रहा है, डेयरी मैनेजमेंट सिस्टम और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिम मैनेजमेंट सिस्टम, ये तीन हमारे स्टैंडर्ड आज भी चल रहे हैं। बट इसमें एज अ टेस्टर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर अपने रिज्यूमे में मेरे को सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट दिखाना है जिससे एक टेक्निकल पर्सन जो होता है, ये चाहे आप हो या मैं हूँ, उसको हम कैच कर सके कि इसने उस चीज पर्टिकुलर चीज पर क्या टेस्टिंग की है। ठीक है, मतलब आप ये देखिए कि हम कॉलेज टाइम पे प्रोजेक्ट तो हम मल्टीपल बनाते हैं, बट वो रिस्पेक्टिव ऑफ अलग अलग फील्ड के रहते हैं। हो सकता है कि आपने एक टाइम पे यूआई का आपने कोई बनाया हो, वेबसाइट डिजाइन करी हो वर्डप्रेस के टाइम पे, तो उसे आप मत इंक्लूड करिए, ठीक है, वो आपके है ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए नहीं हो सकता। आपने कुछ पीएचपी पर वर्क किया तो हो सकता है उसके लिए आप अलग रिज्यूमे बना लीजिए अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं। बट टेस्टिंग रिलेटेड आपने कुछ काम किया, जैसे आपने कोई भी वेबसाइट ली है, डमी वेबसाइट ली है, उस पर आपने कुछ भी ऑटोमेशन का आपने स्क्रिप्ट लिखी है, ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट लिखना मतलब छोटा सा भी अगर आपने स्क्रिप्ट लिखी है कि हाँ मैंने दो फंक्शन दो पे फील्ड पे आपने क्लिक किया, टाइप किया और लॉग इन कर लिया और उसको मैंने गिट पे उठा के डाल दिया गिटहब पे, तो आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट ही हो गया, बट वो आपने खुद बनाया है, तो वो चीज़ जरूर शोकेस करिए। तो वो क्या हो गया कि इनडायरेक्टली आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल की तरफ रेफर कर रहा है। तो कोई भी आप रिज्यूमे बनाए तो आप हो सकता है कि आप फ्रेशर टाइम के लिए मल्टीपल आप रिज्यूमे बनाइए। आपको उस टाइम पे नहीं पता हो कि मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल पे जानी है या फिर डेवलपिंग प्रोफाइल के लिए, अगर आपको मल्टीपल स्किल्स आती हैं तो आप मल्टीपल रिज्यूमे बनाइए और जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ मांगी गई है वो रिज्यूमे उस पर जरूर भेजिएगा। बिकॉज इररिलेवेंट अगर एक ही रिज्यूमे आप मल्टीपल कंपनीज में चलाते रहेंगे तो हो सकता है वो रिक्वायरमेंट मैच ना करे और वो आपको है ना शॉर्टलिस्ट ना करे उस चीज़ के लिए। इसमें एक और चीज जो ये है कि फॉर एग्जांपल हाउ टू शोकेस योर स्किल्स, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे लिंक्डइन है, वी बोथ आर वेरी वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन बिकॉज़ वी बोथ आर ऑन अ मिशन, बट पाथ थोड़ा अलग है कि किस तरीके से फ्रेशर को हेल्प करना है। आई एम यूजिंग वाया पॉडकास्ट एंड यू आर यूजिंग अ डिफरेंट मोड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, बट लिंक्डइन पे आपका क्या परसेप्शन है फ्रेशर्स को कि अपनी शोकेस जो भी स्किल वो अर्न कर रहा है उसको किस तरीके से लिंक्डइन पे एज अ गुड कंटेंट क्रिएट करके वो शोकेस करे, क्योंकि लिंक्डइन पे आपको 30+ years ऑफ एक्सपीरियंस के पर्सन भी मिलेंगे और 1+ भी मिलेंगे और फ्रेशर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हम लिख रहे हैं उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़े लेकिन क्वालिटी पड़े, ताकि ये वाला काम ना हो कि इंटरेस्टेड लिख दिया और 1 लाइक हो गया, वो चीज़ ना हो। तो इसके ऊपर आपका क्या परसेप्शन है? एक्चुअली आप जब भी है ना लिंक्डइन यूज़ करें तो लिंक्डइन में आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना कर रखें। स्ट्रॉन्ग मीन्स कि ये नहीं है कि सब आपने प्रोफाइल फोटो लगा दी तो स्ट्रॉन्ग बन गया, नहीं, आपका एक डिस्क्रिप्शन एक बेहतरीन सा होना चाहिए, ठीक है, जो जो आपने स्किल्स कर रखी हैं वो मतलब आपकी प्रोफाइल पहले एक स्ट्रॉन्ग हो जाए। स्ट्रॉन्ग हो जाने के बाद आपको रेगुलर पोस्ट कुछ करना पड़ेगा। रेगुलर पोस्ट मीन्स कि डेली पोस्ट मत करिए, हो सकता है कि एक दिन छोड़ के दो दिन छोड़ के, आपको क्या पोस्ट करना है वो चीज़ मैं आपको अभी आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ करनी चाहिए। बट वो पोस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपकी एक्टिविटी अगर आपकी लिंक्डइन पे चलती रहेगी तो लोग आपको नोटिस करेंगे, क्योंकि आप कभी भी आप देखते होंगे कि इंस्टाग्राम आप अगर ओपन किया है जिन्होंने सबसे लेटेस्ट पोस्ट किया है वही आपका सबसे टॉप पे दिखाता है। जो इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं रहता वो सिर्फ खाली हमारी स्टोरी देख के निकल जाता है, उसे कोई पहचानता भी नहीं है, कोई इग्नोर भी कर देता है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप लिंक्डइन पे हैं तो आपको बताना होगा कि हाँ भाई मैं लिंक्डइन पे हूँ, मुझे भी देखो। अब वो कैसे देखेंगे उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। जैसे अगर आपने कोई भी जावा का एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा या फिर इनहेरिटेंस पढ़ा, हो सकता है सारी डेफिनेशन सबको पता हो, सारी चीज़ें पता हो, बट आपने कुछ अलग से है ना एग्जाम्पल सेट किया है या फिर आपने कोट किया है जो बहुत अच्छा है, सिंपल है, तो उस कोट को उठा के आप लिंक्डइन पे डाल दीजिए और उसे डिस्क्राइब कर दीजिए कि मैंने ये चीज़ लिखी थी, इससे है ना बाकी लोगों के लिए भी हेल्प मिल सकती है। शायद हो सकता है कि
एक्सपीरियंस वालों को ना मिले, बट जो आपके साथ के फ्रेशर्स हैं उनको तो हेल्प मिलेगी, वो चीजें मिलेगी। उसके साथ साथ है ना, एचआर भी आपको नोटिस करेंगे कि हाँ ये बंदा रेगुलर कुछ पोस्ट कर रहा है, इसको जावा भी आती है, इसको है ना सी प्लस प्लस भी आती है, या फिर सी आती है, सिलीनियम आता, कुछ भी आप कंटेंट उठा के डाल सकते हैं उसमें, अपना खुद का क्रिएट कीजिए कि हाँ मैंने एक डेफिनेशन पढ़ी। जैसे आपने सिंपल एक डिफरेंस ले लेते हैं ऑटोमेशन वर्सेस मैनुअल, ठीक है, आपने कुछ पॉइंट्स ढूंढे अलग अलग वेबसाइट से जाके, मैंने मतलब मैंने रीड किया सारी वेबसाइट्स पे जाके देख लिया कि मैनुअल क्या होता है, ऑटोमेशंस क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनकी सैलरीज क्या जाती हैं, स्कोप क्या रहता है, ये सारी चीज़ें आपने करी है बट अलग अलग वेबसाइट से है, उसको कंसोलिडेट करके आप लिंक्डइन पे बताइए, तो हो सकता है कि जो फ्रेशर्स हो जो इस फील्ड में जाना चाहते हो वो उसको देखें और वो उनको अच्छी भी लगे, तो उससे है ना एचआर भी है ना नोटिस करेंगे कि हाँ ये बंदे ने स्कोप कर रखा है, सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता है, तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एचआर आपको खुद अप्रोच करेगी कि हाँ मेरी कंपनी में आप इंटरव्यू दे सकते हैं या फिर इस मेल आईडी पे अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। श्योर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं इस पॉडकास्ट की बात करूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, ऑल्दो हम कोई इतने भी बड़े नहीं है कि हम किसी को बिल्कुल बता दें कि आपको यही करना है या ये करोगे तो यही होगा, बट कहीं ना कहीं जो हमने अपने एक्सपीरियंस से फेलियर्स जो भी एक्सपीरियंस किया है, अपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में जो भी फेलियर्स को फेस किया है, उससे हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं कि वो चीज़ें हमें रिपीट नहीं करनी है। सो आपके क्या एडवाइस रहेगी, मैं कहूँगा कि बेस्ट एडवाइस क्या रहेगी फ्रेशर्स को जो टेस्टिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं? हाँ ठीक है, मतलब मैंने भी बहुत सारे फेलियर्स उसमें है ना करे हैं, उस चीज़ को मैं शेयर नहीं करूँगा वरना बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। फेलियर से ही हम सीखते हैं, अगर हमने कुछ किया नहीं है, फेल नहीं हो रहे, तो हम शायद सीख ही नहीं रहे, अपनी हमारी लर्निंग ही बंद हो जा रही है उस टाइम पे, तो आपको फेल तो होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी आपको किसी ज़िंदगी में फेल होना पड़ेगा अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे तो वेल एंड गुड, तो फिर आप ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं। फ्रेशर्स की बात करूँ मैं आपकी, कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, आपको डिसाइड नहीं होगा उस टाइम पे कि फ्रेशर्स के टाइम पे कि हाँ मुझे किस प्रोफाइल में जाना, अगर आपने डिसाइड कर रखा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए, तो मैं कहूँगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, बेसिक्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, आप कोई कोर्स ले सकते हैं, यूडेमी पे आपको 300 या 400, आप इतने में आप पिज्ज़ा ऑर्डर करके खा लेते हैं या फिर बर्गर ले लेते हैं, उतना आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। मैंने कहीं भी एक कोट पढ़ा था, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज यू द बेस्ट इंटरेस्ट, मगर या तो मतलब वही चीज़ है, अगर आपने अपने ऊपर शायद 400 रुपये आज अगर आपने इन्वेस्ट किया, तो हो सकता है वो आपको 40,000 की सैलरी दे सकता है या 4 लाख तक की सैलरी दे सकता है, बट अगर आपने आज वो 400 रुपये के चक्कर में आपने सोचा कि हाँ मैं ये कोर्स नहीं लूँगा, मैं इसके लिए ना मैं नहीं पे कर पा रहा हूँ और सिर्फ ऐसे ही फ्री के ट्यूटोरियल्स ये सारी चीज़ें पढ़ूंगा, तो शायद हो सकता है वो आपके करियर के लिए सही ना रहे। तो मैं वही कहूँगा फ्रेशर्स के लिए 400 रुपये 300 रुपये इन चीज़ों को बिल्कुल मत सोचिएगा अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स करने के लिए जा रहे हैं। बेहिजक बिल्कुल भी एक सेकंड थॉट भी मत सोचिएगा कि हाँ मैंने गलत जगह इन्वेस्ट किया, अगर आपने इन्वेस्ट किया है, पैसे दिए हैं, तो ज़रूर आप पढ़ेंगे। फ्री की चीज़ें हम ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं और नहीं पढ़ते, बट अगर हम पे करते हैं तो ज़रूर हम उस चीज़ के लिए पढ़ते हैं, तो वही चीज़ बताना चाहूँगा और अपने छोटे भाई और बहन के लिए यही चीज़ बताऊँगा कि अच्छे से करिएगा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको बीच में सेल्फ डाउट भी आएगा कि हाँ यार सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल में कुछ नहीं है, डेवलपर में चले जाते हैं, वो चीज़ चले जाते हैं, बट आप एक बार जाके देखिएगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल में कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, और जो अगर आप बात कर रहे हैं कि डेवलपर को ज़्यादा मिलेगी या फिर इनको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, तो आप बस खाली मैं बता रहा हूँ इंडस्ट्री में 5 साल आप गुजार के देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसको ज़्यादा सैलरी मिलती है किसको नहीं मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच जय, जिस तरीके से आपने मोटिवेट किया उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेके कि मिथ्स को किस तरीके से हम रियलिटी देख पे बिलीव करना चाहिए। कोर्सेज के पीछे कभी कभी क्या होता है कि हम छोड़ देते हैं कि यार ये कोर्स में शायद नहीं है इतने पैसे देने पे, कहीं ना कहीं आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपने जो पॉइंट्स बोले कि किस तरीके से हम अपनी रिज्यूमे में शोकेस कर सकते हैं स्किल्स को, ऑल दो प्रोजेक्ट चेक जैसा मर्जी हो, आपकी जो चेकलिस्ट थी कि मैं किस तरीके से स्टूडेंट को या किसी फ्रेशर को जज करता हूँ आगे के प्रोसेस के लिए, किस तरीके से लिंक्डइन एक इम्पैक्ट छोड़ रहा है फ्रेशर्स के परसेप्शन से कि किस तरीके से क्या पॉइंट लिखने चाहिए, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इट विल डेफिनेटली हेल्प ऑल दोस फ्रेशर्स जो अपना टेस्टिंग में करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड आई जस्ट मैं आपको यही लास्ट में कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच जय फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल
I must say time and valuable key points also. Thank you for inviting me for such a podcast, because I always wanted to share my knowledge in a podcast so that everyone will be benefited from freshers to the experience level. I am not so much experienced, but I will share with my own experience. Okay, thank you so much, Jackson. Bye-bye.